हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया और एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है TVFF NGO, उसके प्रेसिडेंट है। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो इनकी एनजीओ है, एनजीओ का वर्क क्या है, कार्य क्या है, हमारे बीच में है। शैलेश शर्मा जी, आपने जो ये TVFF NGO खोली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका वर्क क्या है? हमारी संस्था का उद्देश्य है समाज के अंदर अपाहिज, विकलांग और गरीब बेसहारा बच्चों का साथ देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने संस्था में काम किया है। जो भी बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते संस्था में, उनको आगे बढ़ाया जाता है। जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहें उस फील्ड में उनको हम हेल्प करते हैं। और एक आश्रम हमने खोला हुआ है, आश्रम के अंदर अपाहिज बच्चे वगैरह, विकलांग, ओल्ड एज, इस तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। संस्था इसलिए उन लोगों के लिए बढ़ के काम करती है। जो हमने बलिदान शो रखा है, ये देश के शहीदों के नाम ये शो रखा है, क्योंकि उनके बारे में कोई सोचता नहीं और परेशानियाँ तो होती ही हैं। वो बेचारे धूप में, सर्दी में, गर्मी में हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो हम लोग नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि आगे से आगे बढ़कर और उनका हेल्प करें, उनके परिवारों का देखभाल करें। शर्मा जी, अभी आपने बताया कि हमारी जो संस्था है वो जो अपाहिज बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको हम सहायता देते हैं और हम उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। Yes. तो आप ऐसा चयन कैसे करते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया भर की ऐसी पब्लिक है जो कि मारी मारी फिर रही है, तो आप इन लोगों का चयन कैसे करते हैं? ऐसा है, चयन करने के लिए कोई ऐसी कैलेबर नहीं बना रखा कि ऐसा हो तो हम ही उनको करेंगे। जो हमारे सामने दिखता है हमको, क्योंकि इतनी उम्र है तो इतना पता लग जाता है कि ये बंदा नीडी है कि नहीं है, तो हम अपनी तरफ से उनको देखते हैं और जिसका कुछ भी नहीं हो सका पता लग जाता है। और जो लोग आते हैं उनको कई सालों से हमारे रह रहे हैं, और जो आता भी है अगर मजबूर है तब भी उसकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज बनता है, ये नहीं कि उसकी कैलेबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो भी नीडी होता है हम उसकी हेल्प करते हैं। सर, ये आप कब से कर रहे हैं, कब से आपकी संस्था काम कर रही है? हमें कम से कम 8-9 साल हो गया ये काम करते हुए, और अब हम इंडियन कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं साथ के अंदर, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं, नेता जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं लोग अपने देश को कल्चर करें, प्रमोट करें आगे, क्योंकि लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा वो दे रहे हैं महत्व। लोगों को अपने नेताओं की, अपने शहीदों की, अपने देश के भक्तों की किसी का कोई मालूम ही नहीं है कि क्या है। अगर शहीद उनके बूढ़े भगत सिंह कौन थे तो बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो इस करके जो भी आजकल थोड़े थोड़े जगह जगह लोग जलसे करते हैं, बोलते हैं कि प्रमोट करें इसको, कल्चर को, तो इस तरीके से ये भी हमने एक उठा रखा है बीड़ा कि भाई टाइम टू टाइम ऐसा फंक्शन करें जिससे लोगों को कुछ उसका पता लगे। तो आप साल में एक बार प्रोग्राम कराते हैं, साल में और भी प्रोग्राम चलते रहते हैं? नहीं, ओकेजनली हम करवाते हैं कि जैसे अभी पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे किया था, तो स्वच्छ अभियान के ऊपर है, तो इंडियन कल्चर के लिए शहर टू सिटी, टू सिटी जाते हैं, जहाँ भी हमारे को कोई बुलाता है या अपनी हमारी अपनी नीड होती है या हमारे को अपनी वहाँ पता लगता है कि ये हमको सपोर्ट मिलती है तो वहीं हम करते हैं। तो आप ये राजधानी से छोड़ के मतलब और स्टेटों के अंदर भी मतलब अपनी इस संस्था का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हमारा अभी आगे फ्यूचर में अभी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, इस तरीके का प्रोग्राम्स है जहाँ जहाँ हमारी संस्थाएं हमारे को जो सपोर्ट करते हैं उनके हम वो कहते हैं कि भाई उन्हें ईयरली फंक्शन करना ही होता है, और इस तरीके से हम लोग उनका साथ करके फंक्शन करते हैं। सर, इस तरीके की संस्था चलाने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसका फंडिंग आप कहाँ से अर्ज करते हैं, कहाँ से आप फंडिंग उसको प्राप्त करते हैं? ऐसा है, दिक्कत तो होती ही है, पर ऐसा हम लोगों के पास अपने भी हम सक्षम हैं जितना हम कर सकते हैं, और सात भाइयों का सहयोग होता है, अपने फ्रेंड सर्कल होता है, जो भी इस सहयोग में साथ आना चाहता है आ जाता है, और अपनी स्वेच्छा से जो करता है साथ मिलकर हम लोग जैसा भी बन पाता है सहयोग से हम ये काम करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में शैलेश शर्मा जी, शैलेश शर्मा जी ने बताया कि हम दिल्ली नहीं, दिल्ली से अलग अलग भी हम इस तरीके के जो अपाहिज बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या जो वृद्धों का जो आश्रम खोल रखा है, हम पूरे भारत की राजधानी दिल्ली से अलग स्टेटों के अंदर भी काम कर रहे हैं। एक सराहनीय कार्य है कि जो बच्चे अपाहिज होते हैं वो माँ बाप इलाज कराने में भी दिक्कत होते हैं, उन्हें पढ़ाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन शैलेश शर्मा जी का एक जो योगदान है अपने साथियों के साथ वो बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। जो इनकी संस्था जो काम कर रही है इसको SM न्यूज़ सलूट करता है, एक बार नहीं दो बार सलूट करता है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।